नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं मानवेंद्र रावत। दोस्तों, आज एक और विषय लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं और विषय ज्योतिष का नहीं रहेगा, ज्योतिष और आपका व्यक्तित्व। ज्योतिष ये कहती है कि आप जीवन में बहुत सफल बनेंगे, पर सफल कैसे बनेंगे वो कुछ तरीके, कुछ टिप्स मैं आज आपको बताऊंगा। आपके एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेटरी पोजीशन कहती है कि आप जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे, पर इस दुनिया में 90% लोग ऐसे हैं जो सफल तो होना चाहते हैं पर सफल हो नहीं पाते। इसलिए जो जितने भी हमारे विद्वान गण हैं उनका ये कहना है कि इस दुनिया को सिर्फ 5 से 7% लोग चलाते हैं। इस दुनिया के अंदर 10% लोग ऐसे हैं जो सक्सेसफुल हैं, बाकी सब कहीं ना कहीं अपने जीवन को किसी न किसी रूप में व्यतीत कर रहे हैं। तो आखिर ये सफलता की कुंजी है क्या? हम अपने जीवन में कैसे सफल हों, हम सफलता कैसे प्राप्त करें? क्योंकि हर कोई होना चाहता है। कोई भी ये नहीं चाहता कि मैं एक घर के मकान में रहूं, कोई ये नहीं चाहता कि मैं रेंट पर रहूं, कोई ये नहीं चाहता कि मैं झुग्गी झोंपड़ी में रहूं। हर आदमी की ख्वाहिश बड़ी है, ये हमें नेचर ने दी है। पर दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, सफल बनिए और ज़रूरी भी है, पर दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत वहाँ आती है जहाँ हमारे अंदर त्याग की भावना नहीं होती है। दिक्कत वहाँ आती है जहाँ हमारे अंदर निष्ठा नहीं होती है। दिक्कत वहाँ आती है जहाँ हमारा टारगेट सेट नहीं होता है। दिक्कत वहाँ आती है जब हम पूर्णतः स्वस्थ नहीं होते हैं, तो हम कहीं ना कहीं अपने जीवन में बहुत आगे तक नहीं बढ़ पाते। इसलिए सबसे पहले आपके मन में ये भाव होना चाहिए, आपके मन में फीलिंग होनी चाहिए कि मुझे एक बहुत सक्सेसफुल आदमी बनना है। आपके मन में भाव होना चाहिए कि मुझे नेगेटिव नहीं रहना है। आपके मन में भाव होना चाहिए कि आपका ये टारगेट है और मुझे इस टारगेट को अचीव करना, और उसको अचीव करने के लिए मुझे मेहनत करनी है। 90% लोग एक्सक्यूज दे देते हैं, 90%। मैं तो ये करना चाहता हूं पर मेरे पेरेंट्स मुझे करने नहीं दे रहे। मैं तो ये बनना चाहता था पर मेरे पेरेंट्स ने मुझे करने नहीं दिया। मैं ये करने की सोच रहा हूं पर अगर मैं इसको करता हूं तो पता नहीं मैं सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा, और ज्यादा कुछ भी नहीं होगा तो भगवान के ऊपर डाल देंगे, ये कह देंगे कि शायद भगवान को भी मंजूर ही नहीं है। दोस्तों, ये सब एक्सक्यूजेज हैं, ये सब हमारे एक्सक्यूज होते हैं काम ना करने के। वो लोग भी तो हैं जो नीचे गिरते हैं फिर ऊपर उठते हैं, फिर नीचे गिरते हैं फिर ऊपर उठते हैं, 10 बार गिरते हैं 10 बार उठते हैं। मेरे को उदाहरण देने की जरूरत नहीं है, आपके सामने सैकड़ों उदाहरण हैं। जितने भी आज की डेट में मान सम्मान प्रतिष्ठित लोग आप न्यूज़ चैनल टीवी पर या समाज में सामाजिक दृष्टिकोण से आपने देखते हैं, सबने कहीं ना कहीं त्याग किया हुआ होता है। और जो त्याग की भावना है, यह जब तक आपके अंदर नहीं होगी तब तक आप अपने जीवन में आगे सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए कहते हैं कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे बहुत बड़ा त्याग और तप छुपा हुआ होता है। इसलिए मैं बोलना चाहता हूं, आप ये सोचें कि मुझे त्याग भी ना करना पड़े, आप ये सोचें कि मुझे मेहनत भी ना करनी पड़े, आप ये सोचें कि मेरे को
बिना टारगेट सेट किए सफलता मिल जाए तो संभव नहीं है, क्योंकि हम जब कोई भी कार्य करते हैं, किसी भी कार्य के लिए जब हम अपना रास्ता तय करते हैं और उस रास्ते पर चलना शुरू करते हैं, तो चुनौतियां आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, और 60% लोग वहीं रुक जाते हैं, वहीं पर अपने रास्ते को विराम दे देते हैं, वहीं रुक के और वापस मुड़ाते हैं, उनकी हिम्मत वहीं जवाब दे जाती है। कुछ ही % लोग होते हैं जो उसके आगे बढ़ते हैं। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये फैक्टर तो हैं ही जो मैंने आपको बताए हैं, इसके अलावा आपकी सोच, आपका व्यक्तित्व, आपकी भावनाएं, आपके संस्कार, आपकी सामाजिक भावनाएं, ये सब बहुत ज्यादा मैटर करती हैं आपको जीवन में आगे बढ़ाने के लिए। आपके अंदर मदद की भावना है, आप लोगों की मदद करने में विश्वास रखते हैं, आप आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपके साथ में लोगों की दुआएं रहेंगी। आप लोगों की मदद करने में हेल्पफुल नेचर यदि आपका है, तो इट मीन्स दैट कि कहीं ना कहीं आपका जो स्वभाव है वह भी बहुत अच्छा होगा, और यदि आपका स्वभाव अच्छा होगा तो आपको देर सवेर रास्ता ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आपके अंदर एक भाव है जो कि सैकड़ों लोगों में नहीं होता। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले चीज़ तो आप अपने अंदर की ताकत को, अपनी क्षमता को पहचानिए कि आखिर आप कहाँ डिजर्व करते हैं, आप किस कैरेक्टर में फिट बैठते हैं, आप किसी भी काम को फोर्सफुली मत करिए। अगर कोई भी काम आप फोर्सफुली करते हैं, किसी के प्रेशर में करते हैं, तो मैं आपको अश्योर कर रहा हूं कि आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ऐसे मेरे साथ, क्योंकि मैं बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर भी आपको बोल रहा हूं कि इतने सारे लोग मेरे पास आते हैं, हमारे से चर्चा करते हैं, गुरु जी मेरा इंटरेस्ट नहीं था इस फील्ड में, पर मैं आया क्योंकि मेरे मम्मी पापा की इच्छा थी। इच्छाएं एक अलग विषय है, इच्छाएं उनकी हैं वो विषय अलग है, पर क्योंकि उस इच्छा पर वर्क करना आपको है, और क्या आप उस इच्छा पर वर्क करने के लिए मेंटली प्रिपेयर हैं, वो आपके अंदर की भावना है। इसीलिए आपको अपनी बॉडी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना होगा, आपके अंदर सच बोलने की भावना होनी चाहिए। देखो मैं ये बातें क्यों बोल रहा हूं कि आपके अंदर मदद की भावना हो, सच बोलने की भावना होनी चाहिए, त्याग की भावना होनी चाहिए, आपके अंदर सदा अपनी बात पर अड़िग रहने, अपनी बात से ना मुकरना, अपने द्वारा तय किए गए कार्यों पर अमल करना, इसकी भावना होनी चाहिए। कि अगर आपने कोई कार्य सेट कर दिया, आपने किसी को समय दे दिया, आपने किसी को टाइम दे दिया, तो ऐसा ना हो कि आप उसको लटका दें, क्योंकि यही लटकाना और यही सब चीजें तो आपका मन का और अंदर का विकार है जो आपको रोकेगी आपको सक्सेस तक पहुंचने से। आपके अंदर मित्रवत, धर्म का पालन करने की भावना होनी चाहिए, आपके अंदर इस समाज के अंदर रहना, सामाजिक भावनाओं का आदर करने की भावना होनी चाहिए। जब ये सभी चीजें आपके अंदर होंगी, आप हर बात को हर दृष्टिकोण से सोचेंगे, तो आपकी जो सोच का दायरा होगा वो बहुत ही वाइड हो जाएगा, और बहुत वाइड होकर के सोचेंगे। पर ये सब भी तभी संभव है, आप भी सोच रहे होंगे कि इतनी सारी बातों पर अमल करना क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आपके अंदर उठने वाली फीलिंग्स, आपके मन के विचार पॉजिटिव हों, आपके अंदर कुछ कर गुजरने की इच्छा हो। नहीं तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जबरदस्ती, बहुत सारे पॉलिटिकल फील्ड में देख लो, आप बिजनेस लाइन में देख लो,
बहुत सामाजिक प्रतिष्ठित लोग ने अपने बच्चों को पॉलिटिक्स में लेकर के आते हैं, नहीं सफल हो पाते, नहीं अपने पेरेंट्स की तरह बन पाते। कारण क्योंकि वह उस फील्ड के लिए फिट ही नहीं बैठते। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे फिल्मी एक्टर हैं जो अपने बच्चों को लेकर के आते हैं पर वो बहुत अच्छी एक्टिंग नहीं कर पाते। कारण क्योंकि वो उस फील्ड के लिए नहीं बने। और जब तक हमारा मन, हमारा शरीर उस चीज़ को अडॉप्ट नहीं करता तब तक हम उस फील्ड में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि हम मेहनत भी तभी करते हैं जब हमारा किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है, और जब अगर मेरा किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होगा तो मैं उस फील्ड के लिए मेहनत नहीं करूँगा। इसलिए सबसे पहले सफल होने के लिए आपके अंदर आपका लक्ष्य निर्धारित, योर टारगेट शुड बी क्लियर एंड फोकस्ड, आपको फोकस्ड होना चाहिए। आपका टारगेट है ये और उस पर आपका फोकस होना चाहिए। अब उसको फोकस करने के लिए आपके अंदर त्याग की भावना, समर्पण की भावना, सबसे पहली जो सीढ़ी होगी आपकी सफलता की वो यही रहेगी। आप तभी उस पर चल पाओगे। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिन्होंने अपने परिवार का त्याग कर दिया, जो अपने परिवार से लड़ झगड़ के निकल गए किसी भी कारण से और आज वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। कारण कारण यह है कि उनकी विचारधारा अलग है, उनका सोच का दायरा अलग है, वो किसी भी कार्य को अलग तरीके से सोचते हैं। क्योंकि प्लस माइनस हमेशा हमारे साथ चलते हैं, अच्छाई और बुराई हमारे साथ चलती है। हम कोई भी काम हो, कैसा भी कार्य हो, कोई कार्य छोटा नहीं होता, कोई कार्य बड़ा नहीं होता, ये सिर्फ हमारी सोच पर निर्भर करता है। ये हमारी सोच पर निर्भर करता है कि आखिर मैं इसमें से, इस कार्य से कैसे आगे बढ़ सकता हूं। मुझे उसको ढूंढना है और उसको ढूंढने के लिए मुझे कुछ यूनिक करना पड़ेगा, कुछ अलग सोचना पड़ेगा। और जब हम कुछ अलग सोचते हैं, कुछ यूनिक करने की सोचते हैं तो सामाजिक, समाज में रहने वाले लोग हमें अलग तरीके से देखने लगते हैं। और जब आगे जाकर के हम अपने ही द्वारा निर्मित किए हुए एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर जब सक्सेस होकर निकलते हैं तो वही समाज आपको नतमस्तक करता है कि देखो ये एक अलग विचारधारा पर इसने कार्य करना शुरू किया और आज ये कितना आगे निकल गया। इसलिए दोस्तों मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप अपने टैलेंट को पहचानिए, अपने जुनून की पहचान करिए। कहते ना ये तो सनकी है, इसको तो पागलपन है, इसको तो जुनून चढ़ा हुआ कि मुझे एक काम करना है। वो करेगा, डेफिनेटली करेगा उस काम को। क्यों? क्योंकि वो उस काम के लिए बिल्कुल पागल हो चुका है, उसके अंदर वो जुनून हो चुका है। तो आपको सबसे पहले अपने अंदर के जुनून को पहचानना होगा, आपको अपने लक्ष्य को निर्धारित करना होगा, आपको अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसके लिए संकल्पित होना पड़ेगा, उसके लिए आपको अपने आप को प्रॉमिस करना पड़ेगा, उसके लिए आपको अपनी दिनचर्या को सेट करना पड़ेगा, आपको अपना डेली रूटीन सेट करना पड़ेगा, आपको उसके लिए जगना टाइम से है, सोना टाइम से है, आपको भोजन टाइम से लेना है, आपको ब्रेकफास्ट टाइम से करना है और आपके जो काम है वो सेट होने चाहिए एज पर शेड्यूल। आप आगे बढ़ जाएंगे। आपकी सोच में ये होना चाहिए कि मेरा ये मकसद है और मुझे इस मकसद के लिए अपने जीवन को व्यतीत करना है, मेरे को इस मकसद को प्राप्त करने के लिए जितना तप हो सकता है मेरे को वो करना है। डेफिनेटली वन डे यू विल गेट सक्सेस, नो वन कैन स्टॉप यू, नो वन कैन स्टॉप यू। इसीलिए अपने वादों पर अड़िग रहें, अपनी दिनचर्या सेट करें और सबसे पहले चीज़ अपने जुनून और त्याग की भावना आपके अंदर होनी चाहिए। दोस्तों विषय तो बहुत लंबा है, इस विषय पर एक बार पुनः मैं आपसे चर्चा करूँगा आगामी कार्यक्रम में। अभी मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।